नमस्कार, रविवार का दिन है, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज जारी है। हमारी इस हफ्ते की मेहमान है गीतांजलि लाल जी। दो हिस्सों की बातचीत आप देख चुके हैं, आज देखिए इस बातचीत का तीसरा और आखिरी हिस्सा। एक दो चीजें दीदी और समझना चाहूंगा। एक तो ये कि अब YouTube का जमाना है, घराना तो होता था एक समय तक, आज से शायद 20 साल पहले तक, जब बड़ा मुश्किल था कि अगर आप जयपुर घराना सीख रहे हैं तो फिर लखनऊ के बारे में जानना है तो फिर उसके गुरु के पास जाइए, फिर वो सीख बताएंगे, फिर वो समय देंगे। अब तो ये सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको बहुत आसानी से आप वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। तो अब क्या घरानों की जो प्रासंगिकता है, जो आज से कई बरस पहले थी, अब भी उतनी ही बची हुई है? आपको लगता है कि नहीं, अब अच्छा डांसर जो है वो उसका भाव पक्ष भी उतना ही मजबूत है जितना उसका पद संचालन है या जितना उसका साहित्य है? सही कह रहे हैं, YouTube के फायदे भी बहुत हैं कि आप उसे देखकर आप बहुत कुछ, अगर आप टैलेंटेड हो तो आप यू कैन पिक अप। जैसे कई बच्चे ना फिल्म देख देख के अपना वो जैसे डांस वो वाला कर देते हैं बिना उनके पास जाए, है ना? बिल्कुल इसी तरह कथक में भी जो सीखे हुए, तालीम तो होनी चाहिए पर उसके अलावा आप दूसरे की, एक दूसरे कलाकार की अच्छी चीजें अडेप्ट कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे गुरु शिष्य परंपरा में एक जो बात थी, जो एक वो इसलिए नहीं हो सकती कि फिर आप यूट्यूब से सीख के आप यूट्यूब में ही परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आपका वो जो एक इसका जो विशाल स्वरूप है वो नहीं आ पाता, एक गंभीरता नहीं आ पाती, एक मैच्योरिटी एक परफॉर्मेंस नहीं होती, वो नहीं आ पाती। इसलिए गुरु के पास तो जाना जरूरी है, किसी एक गुरु को से तालीम लेना तो बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले मैं अनिंदो दास से बात कर रहा था तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि आजकल तो लोगों ने ट्यूटोरियल्स बना बना के डाल दिए हैं कि ये ताल ऐसे सीखें, वो ताल ऐसे सीखें, तो वो भी यही कह रहे थे कि नहीं, आप जब तक गुरु के सामने बैठेंगे नहीं, आपकी गलतियों को बताएगा कौन, और अगर आपने गलत सीख लिया तो फिर तो वो और बड़ा खतरा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनडू। यस, जैसे मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं कहीं से ऐसी जगह से सीख के, ये नहीं उनके गुरु की भी गलती नहीं है, उनको वो जगह मतलब छोटे शहर से कहीं से आते, उन्हें भी नहीं मिला सीखने का समय या गुरु सही नहीं मिला, तो ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं तो उनको अंडू करने बहुत समय लगता है, तो गलत पड़ गया रियाज तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए सुर की बात, जैसे कि उसकी एप्लीकेशन आप सुन के नहीं गा सकते, बिल्कुल नहीं, वो मॉड्यूलेशन है। वो मैंने भी क्लासिकल के साथ साथ, मेरे पिताजी मुझे लाइट म्यूजिक सीखने भी भेजते थे कि उसका गले के सुर के जो एप्लीकेशन है वो किस अलग है, उसकी मुर्की लगाने का तरीका अलग है, मींड लगाने का, मतलब हर चीज का। इसी तरह नृत्य में है, जब तक आप उठाएंगे नहीं, हाथ को कैसे उठाना है, कहाँ देखना है, हाथ को नहीं देखना है, हाथ को आउट ऑफ फोकस करके यू टू सी बियॉन्ड दैट। अब लग रहा है कि आप हाथ को देख रहे हैं पर आप हाथ को नहीं देख रहे, यू नो, तो वो सब चीजें, हाथ उठा, अब हाथ को देखेंगे तो भेंगे लगेंगे तो आपको फोकस करके ये चीज हो गई, घूंघट लिया तो कैसे लिया, कैसे खींचा, तो ये बॉडी का जो रखाव है कि किसी को देखकर घूंघट किया है ना, वो भी तो है ना कि क्यों घूंघट किया, आपने किसी को देखा और शर्माए और घूंघट किया और फिर पकड़ा और फिर देखा और फिर ढका, तो घूंघट के अब इसमें कितनी मुद्राएं आ गई उंगलियों का, और कथक में ऐसी चीज है कि वो फिक्स मुद्राएं नहीं है कि ये कर दियो, वो बनते बनते बनती है। जैसे घूंघट को पकड़ने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक दुपट्टा यहाँ पे रखा हुआ है, अब उसको ढका है ना, तो ये अंदर से हाथ गया, उसको ही फिंगर से पकड़ा, तब जाके आपने खींचा और इनको ये पल्लू आया, ये पकड़ा और तब देखा कि कितनी मुद्राएं आ गई, कितनी उंगलियों का चलन आ गया, किस तरह से उठा, तो जब तक आप सामने नहीं होंगे नहीं सीख सकते, चैलेंज की नहीं सीख सकते। दीदी आपके पास हजारों हजारों कार्यक्रम किए होंगे, लेकिन कोई एक दो ऐसे कार्यक्रम जो
कभी सपने में आते हो या कभी ऐसा लगता हो कि नहीं ये कार्यक्रम तो भूला ही नहीं जा सकता जीवन में कभी? हाँ, मैं हर बार बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम की बात बोलती हूँ, लेकिन एक ऐसा भी कार्यक्रम हुआ था कि पटना में हो रहा था, प्रोग्राम के बीच में इतनी बारिश, ओपन में था, इतनी बारिश हो गई, पर तब भी मैं आई कंटिन्यू डांसिंग। एक तो ये था, मतलब इस तरह की बातें भी है, तारीफ तो बहुत हुई, ये किया वो तो सब होते हैं। एक ये था और ऑडियंस भी बैठी रही, बताइए, हम मैं करती रही तो ऑडियंस भी बैठी रही। इसी तरह एक सपुर हाउस में मेरा बहुत पहले अर्ली 70s में प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, सपुर हाउस में, तब सपुर हाउस ही होता था, ये दो दूसरे ऑडिटोरियम, वहां वो लाइट चली गई, तो लाइट चली गई, पर आई कंटिन्यू डांसिंग और म्यूजिशियंस भी, क्योंकि मैं करती रही तो वो भी, तो उतना साउंड तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस तो और भी हो गया, क्योंकि एकदम अंधेरा हो गया, एंड आई कंटिन्यू डांसिंग, वो म्यूजिक भी चलता रहा और जो टेक्निकल चीजें थी वो पद संचालन वो सब सुनाई दे रहा सब, और उसके बाद लाइट आ गई और जिस तरह से मुझे अप्लॉज मिला है, यू नो, इस तरह की बातें हैं। और तो तारीफ वाली तो बहुत सी बातें हैं कि बहुत जगह कई सालों तक लोग मेरे कार्यक्रम, कितने, जैसे कोई 30 साल बाद कोई मिला, ये कोई 40 साल, अभी मैं जबलपुर गई थी, वहां 40 साल बाद मुझे, मेरे साथ कोई बैठे थे, मैं कहीं चीफ गेस्ट थी जबलपुर में अभी रिसेंटली, वो मुझे कह रहे हैं कि गीतांजलि जी आप ही थी जो 40 साल पहले यहाँ जबलपुर में प्रोग्राम की थी, और उस्ताद लतीफ खान साहब आपके साथ तबले पे थे। मैंने कहा हाँ हुई हूँ। अरे मैं वो कार्यक्रम आज तक नहीं भूल पाया हूँ, आई एम सो ब्लेस्ड मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा एडमायर हूँ। तो इस तरह की बातें भी हैं जो याद रहती हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा ही कुछ किया होगा जो लोग याद रखे हैं। और क्या बताऊँ, और ऐसे ऐसे देशों में गए तो उस वजह से आपको बहुत, यू गेट टू सी so many places, you get to meet different kind of people, you see, you get to know their culture, और वहाँ का संगीत वो सब आप उससे इम्बाइब करते हैं ना, यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, यू ग्रो एज अ पर्सन, तो आपका ग्रोथ भी उसमें होता है। तो मैं वेरी फॉर्चुनेट कि ये डांस की वजह से मैं दुनिया देखी हूँ, दुनिया घूमी हूँ, तरह तरह के लोगों से मिली हूँ और बहुत कुछ सीखी हूँ। दो सवाल मेरे और हैं दीदी। एक सवाल तो ये है कि चूंकि आपने वोकल भी सीखा है और वोकल बहुत पास से देखा है, आजकल मैंने ये जो रियलिटी शोज होते हैं, मैंने ये देखा है कि एक बच्चा आता है कोई 10-11 साल का और बहुत सरपट, बहुत जल्दी जल्दी ताने उसने बोल दी और बिल्कुल उसने ऊपर के सुर लगा दिए और उसको ऐसा लगा कि सामने वाले को चौंका देना है, सामने वाले को प्रभावित नहीं करना है या सामने वाले को सुकून नहीं देना है बल्कि सामने वाले को चौंका देना है, और वो चौंकाना ही दरअसल मेरा मकसद है नृत्य में। और आप तो जयपुर घराने में तो तेजी उसकी तो बहुत मशहूर है ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जो सुकून आराम से, अगर मैं गायन के बारे में बात करूं तो आराम से एक एक सुर की बढ़त के साथ होता है, वैसे ही नृत्य में भी, अगर आप क्या समझाती हैं बच्चों को कि जाओ और बिल्कुल फटाफट कुछ ऐसा कर दो कि सामने वाले एकदम आंखें फाड़े देखते रहे, या आराम से उनको ऐसा करो कि उनको सुकून मिले, उनको अच्छा लगे और वो उसमें डूब जाए? तो वही तो फर्क है ना, एक कलाकार ने परफॉर्म किया और फिर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और वो होना, और वो कोई मैजिशियन मैजिक करता और थाली टक टक टक, मतलब वो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और पर ये भी कहूंगी कि एक बच्चे से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गंभीरता और वो भी वो करे, वो इट कम्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। तो अभी तो समय, और उनको अभी 1.5 मिनट का टाइम मिला है तो उसमें तो उनको तो मैजिक दिखाना पड़ेगा, अगर आलापने लगेंगे तो 1.5 मिनट में क्या एस्टैब्लिश कर रहे। तो समय की पाबंदी की वजह से भी अब कैप्सूल्स हो गए हैं ना, हम मैंने मेरे ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुए 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे, एक कॉन्सर्ट मतलब आप परफॉर्म कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं आपको, तो वो समय भी नहीं है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, और समय का बदलाव तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन एक कैप्सूल,
बन गए, तो छोटे छोटे में आपको क्या मैजिक करके दिखाना, तो वही बदलाव तो आया ही है, तो वन हैज टू एक्सेप्ट दैट। पर तालीम, अगर जैसे मैंने कहा ना, गुरु शिष्य सामने बैठ के जो तालीम जो होती है वो तो वही सहज, धीरे धीरे कैसे उसको डेवलप करना है, राग को अगर पकड़ते हैं तो राग को कैसे विस्तार करना है, तभी तब विस्तार सीखेंगे, तभी तो गा पाएंगे। इसी तरह कथक में इम्प्रोवाइजेशन जो चीज है, कथक में तो इम्प्रोवाइजेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट। अब रट्टा हुआ कैप्सूल नाचेंगे तो आपका एक प्रोग्राम देखा, दो देखा, तीसरा देखने कौन आएगा मुझे बताइए, जब तक आपके पास वो टैलेंट नहीं है आपका इम्प्रोवाइज करने की, ऑन द स्पॉट टू क्रिएट, टू चैलेंज, तो वो मैजिक है। एक्चुअल मैजिक ये है कि आप तबला के साथ आप संगत हुआ और वहीं पे वहीं, या वहीं पे उपज हो गई और लय की बातें हो गई, या आप कोई ठुमरी पे भाव कर रहे हैं, तो एक ही बंदिश की एक लाइन पे आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, अभिनय में अलग अलग संचारी भाव दिखा रहे हैं, तो एक ही बात को लेके कई बात कहना, तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। अब एक लाइन को आप किस तरह से अलग अलग अभिनय से दिखाएंगे, तो गायक में भी वो एक जो आपके साथ एकम्पनिंग वोकलिस्ट है उसमें भी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अलग अलग तरह से वो गाए और अलग अलग अभिनय करने की पॉसिबिलिटी दिखे। दीदी, आखिरी सवाल मेरा महाराज जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाल में ही उनका निधन हुआ। वो खुद बहुत बड़ा नाम रहे कथक का। कैसी यादें हैं आपकी उनके साथ? हाँ बहुत जबरदस्त, क्योंकि स्पेंड द बेस्ट ऑफ माय टाइम, मतलब करियर वाइज बिल्कुल मैं रही हूँ कथक केंद्र में, तो उन्हीं के सानिध्य में रही हूँ, उनकी डायरेक्शन में मैंने काम किया, मैंने सीखा, और बहुत सारे उनके कॉम्पोजिशंस में मैंने नृत्य किया एज अ लीड रोल। मोस्टली मैं लीड रोल करती रही हूँ उसमें, तो बहुत कुछ सीखा। और क्योंकि मैं जब उनके पास मतलब कथक केंद्र, मैंने आई ज्वाइन कथक केंद्र, तो मेरा स्टाइल फर्क था थोड़ा, जयपुर घराने का और बनारस आंग, तो थोड़ा वो कहते थे लठमारी वाला डांस करती हो तुम, तो वो जो उसमें जो ग्रेस है लचक है, मुझे कहते थे हाथ की जो कलाई का काम है जरा यहाँ पे मालिश किया कर, थोड़ी कलाई सॉफ्ट होगी, तो अभी मेरी बहुत सॉफ्ट होगी, तो आई कैन यूज माई रेस्ट, वो मुझे उन्होंने बताया। और क्योंकि मेरा फिगर वगैरह तो बड़ा उनके हिसाब से ठीक था, तो कैरेक्टर सीता का रोल है कि राधा का है कि किसी नायिका का रोल है, मतलब उसमें वो फिर बैठती थी तो मुझे मुझे फायदा रहा। तो पर उन्होंने काफी सिखाया अभिनय, आपके अलग-अलग पोजेस, ग्रेसफुल स्टांस, तो ये सब मैंने चीजें सीखी उनसे, और वो बहुत ही मजाकिया टाइप के थे और बड़े लाइट मूड में रहते थे, और सिखाने का भी उनका तरीका बड़ा मजे वाला था, तो आई एंजॉयड माय बेस्ट ऑफ माय इयर्स टू बी ट्रेन्ड अंडर हिज गाइडेंस। और संगीत उनका भी तो बड़ा वो था कि संगीत पे कंट्रोल, तो कैसे कंपोज करते थे वो, ओवर द इयर्स यू लर्न ना, अगर आपकी क्या इंटेंशन है सीखने की ही, तो आप तो बिल्कुल सीखने आप सीखोगे, तो महाराज जी किस तरह काम करते थे तो वो भी मैंने सीखा बचपन से, तो सीखा, लेकिन अब यू डोंट स्टॉप लर्निंग, यू नो तो प्रोसेस, अब तो अभी भी सीखती हूँ, बच्चों से सीखती हूँ कोई चीज, कोई बच्चा इतना अच्छा करता है वही चीज जो मैंने सिखाई, अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा कर रही है, तो अब यू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। तो दीदी, आखिर में बहुत किसी ठुमरी की क्या, दो लाइन। अच्छा सुमरी की कोई नहीं, महाराज जी की बहुत बिल्कुल सारी है, मोहे छेड़ो ना नंद के सुनहु छेड़ो देर भई
घर जाने दे मोहे बड़ी देर भई, घर जाने दे मोहे तोरे पैया परो मोरी, रोको ना गैल मोरे छेड़ो ना नंद के सुनहु छैल। देखिए कंपोजिशन में भी कितना ठहराव है, तो बिल्कुल उसमें नृत्य करने का भी मजा आता। अभी तो मैं बैठी हूँ, क्या कर सकती नहीं दीदी, हूँ। आपने सारे रंग दिखा दिए, भाव पक्ष दिखा दिया, उंगली की मुद्राएं बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक बार पुनः बहुत ही विनम्रता के साथ धन्यवाद को स्वीकार कीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी शेयरिंग माई व्यूज एंड माई आइडियाज एंड माई एक्सपीरियंस विथ यू। थैंक यू। थैंक यू।